अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अल्लाह ताला के फजल व करम से अच्छे होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या रेट है चाचा इसका? क्या रेट है इसका? 8 लाख रुपये। ओए हो, बड़ा रेट है, रेट तो बहुत ज़्यादा जी लाता है। 8 लाख रुपये का रेट है ये जी। 8 लाख रेट बता रहे जी इस ऊँट का, ये वाले ऊँट का 8 लाख रुपए। इतना क्यों ज़्यादा रेट क्यों लगा रहे हैं? इतना ज़्यादा रेट क्यों है? क्या बता रहे हैं? महंगे हो गए हैं। क्या हुआ इसको? इसको क्या आप कर क्या रहे हो? निकेल डाल रहे हो? ये जी निकेल डाल रहे हैं। निकेल आपने कभी देखा हो कि अक्सर जानवरों के नाक के अंदर से रस्सी जो है ना वो गुजारते हैं, तो ये बड़ा दर्द वाला अमल होता है, तो वो इसको नकेल कहते हैं। ये वो उसके नाक के अंदर से वो देखे वो अभी निकाल रहे रस्सी, तो ये बड़ा दर्द वाला अमल होता है जब वो ये करते हैं ना इस तरह। तो ये देखे ऊँट, ऊँट की आवाज़ भी आपने सुन रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है, उसको नकेल कहते हैं। मैं फिर लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर जानवरों के नाक के अंदर से रस्सी निकालते हैं, तो उसको ये अपनी ज़बान में नकेल कहते हैं, नकेल डालने। तो इसको दर्द हो रही थी इसलिए आवाज़ निकाल रहा है। दर्द हो रही थी ना इसको? कुछ नहीं हो रहा था। सुराख होता है पहले से या पहले सुराख करते हैं इसे? हाँ जख्म बना तो सही तरह। अभी तो भी निकला ये रस्सी। इसका फाइनल रेट क्या? फाइनल अगर किसी ने लेना हो तो फाइनल रेट क्या होगा? 8 लाख रुपये। अच्छा फाइनल रेट 8 लाख रुपये। ये वाले जी ऊँट है इसका बता रहे जी फाइनल रेट 8 लाख। थोड़ा सा अंकल जी चलाएंगे इसको इधर कहीं आए हैं ज़रा। ये जी ऊँट है अंकल के 8 लाख रेट बता रहे हैं। ये वाला ऊँट जी इनका, ये देखिए माशाल्लाह। ये वाला ऊँट जी आठ, किस जगह से आए आप? आप आए किस जगह से हैं? आप रेंजर खान ये आपके अपने हैं या किसी से लेके आए हैं? अपने हैं। रहीम यार खान में ऊँट होते हैं ज्यादा? सिंध के साथ आता ना रहीम यार खान, सिंध सिंध साथ लगता है। हाँ चले जी बहुत मेहरबानी, ठीक है ले जाएं। क्या रेट चाचा? 8 लाख। जिंद लिखे 786। इनका की रेट है? हैं इनका 8 लाख है? काम नहीं, रश नहीं है, कोई गाहक नहीं। आएगा गाहक? अच्छा दो ही ऊँट लै के आए तुसी? सही इन्हें जरा एक दो की कीमत दसो ना इनका की रेट जे? इसका भी 8.5 लाख है। इसका 6.5 लाख रुपये। किस जगह से आए आप? रहीम यार खान से आए। 8.5 लाख इसका जी, 7.5 है इसका, 8.5 लाख बता रहे। आपके अपने ही है? अच्छा सिंध से भी आए हैं लोग? सिंध से रहीम यार खान तो पंजाब के अंदर आता है, तो आप उधर कराची वाली साइड पे क्यों नहीं जाते? उधर उधर रेट नहीं मिलता सही? आपको ये पसंद आता है लाहौर? अच्छा आपको तो उधर से कराची करीब नहीं लगता? उधर नहीं जाते? अच्छा सही। ये जो निशान लगाए हैं ये क्यों निशान लगाए हैं? ये निशान लगा हुआ है इसको? इसको बाहर लगे के बाद निशान लाते हैं उधर। अच्छा उन्होंने वो लिखा हुआ है? उन्होंने किस, ये लिखते किस चीज़ से हैं? ये पिन से लिखते हैं।
ये पेंसिल से जब नहीं लिख, काला कलर से लिखते हैं, कलर आपको दाढ़ी लगाते हैं। अच्छा, कलर से लिखते हैं, सही। चलिए जी, मेहरबानी। की रेट है इनका? हाँ जी, 6 लाख। ये बराबर ही ने, एक सेम सेम ही लगते हैं, कोई एडे ज़्यादा नहीं लगते। इनका 8.5 लाख है, इनका 6 लाख। क्या वजह, इसका 6 लाख है, इसका 8.5 लाख, यह अलग बराबर ही है। अच्छा, देसी और फर्क होता है? अच्छा, ये बता रहे जी, देसी और जिस तरह मुर्गी होती ना देसी, और जो दूसरी ब्रायलर। अच्छा, सही, ये नस्ल की वजह से बता रहे, ठीक है जी। भाई जान, हमें भी ले व्लॉग। आ जाओ यार, आप भी आ जाओ। चैनल किस नाम से आपका? चक्की के नाम से। चक्की के नाम से ये भाई जान जी कह रहे जी, मेरी वीडियो भी बना दे। क्या रेट है भाई जान? रेट क्या ऊँट का? 13.5 लाख। इसका जी 13.5 लाख है ऊँट का, बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा माशाल्लाह। ये ऊँट है जी, 13.5 लाख रेट है। सिस्टम जी शाहपुर कांजरा बकरा मंडी के अंदर है, और अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा रेट जो है ना इन्होंने बताया, 13.5 लाख। साढ़े 13 लाख रेट बता रहे हैं इसका, फाइनल 13.5। चार दांत बता रहे हैं इसका जी, और 13 लाख रुपए रेट इसका। 7 लाख नहीं समझ आती? 7 लाख दी दी, एक लात तो नहीं है। साल किन्ने फाइनल होने? दरअसल पिछो जो ना ये अपने नहीं लैके आए, पिछो भी खरीद के लिया या दार लें दे, इतने आगे 2 लाख 4 लाख रुपए रख के सेल करते पे इस दफा। जिन्हें मैं पूछा या वीडियो बनाई है ना, उन्होंने यह किया कि साढ़े अपने नहीं है, अभी पिछो लैके आए हैं। ये जी शाहपुर कांजरा बकरा मंडी के अंदर थे हम, और आपके सामने अपडेट दी है मैंने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।